देखिए दोस्तों, हम लोग का सोने का कमेंट आया था, तीन जन कैसे सोते हैं। तो अभी हम चले सब्जी बनाने, तो आते समय अंडा ले लिए थे, वही अंडा करी बना रहे अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सुबह तो हो गया, गाड़ी भी लगा दी अंदर में, लेबर भी आ ही गया है, सब लगा हुआ अभी गाड़ी में, अभी लोडिंग करने अनलोडिंग करने के लिए। तो देखते हैं कब तक करता है, ऐसे तो ज़्यादा माल है नहीं, जल्दी कर देना चाहिए। अब यहाँ तो देख रहे पूरा खुला मैदान है, कुछ तो है नहीं, तो जाते हैं गाड़ी में कुछ बनाते हैं। गाड़ी में है जुगाड़, और मैदा वगैरह ही पड़ा हुआ है, तो देखते हैं गाड़ी में कुछ भजने का तलिया है, भजने वाला चीज़ कुछ बनाते हैं। टाइम भी अपने पास है, कहीं बाकी तो है नहीं अभी। ठीक है दोस्तों, जाते हैं गाड़ी पर, कुछ नाश्ता बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सुबह का नाश्ता हम लोग का यही है आज को, यही दोस्तों नाश्ता करेंगे आज, बनेगा बेगनी। बेसन सान रहे हैं, मेरा काम यही है, ये बेसन सानेंगे, उसके बाद बैगन काटेंगे पतला पतला, आज बेगनी बनाएंगे। यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसमें थोड़ा बच गया है, इसलिए तो प्याज कटवा दिए हैं, डालो है प्याज इसमें। अब ये प्याज भी इसको भी डाल के बना देते हैं, क्योंकि अभी इससे ख़त्म हो जाएगा। हम लोग तो भाई होटल वाला नहीं ना है कि इसको घोल के कहीं रखा रहेगा, आज नहीं कल बनेगा। मजदूर आ गया गाड़ी में, लग गया है, और ये हमारा बैगनी चाय, आधा तो खाइए गया ही, बनाते बनाते तो खा गया, देख रहे ना। तो दोस्तों यही आज का हमारा नाश्ता चाय है, ये देखिए चिप्स भी है, ये थोड़ा इसको हम लोग भजिया बोल सकते हैं, प्याज साथ जो बनाए। ठीक है दोस्तों, अभी ये सब हम लोग का काम होने के बाद जाएंगे, लोडिंग का भी बात तक करा, फ़ोन करा बार बार पार्टी भी कि गाड़ी लेके आओ जल्दी। ठीक है, नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों अभी गाड़ी खाली हो रहा है, तो पापा लोग गए पीछे, तो तब तक पापा हमको बोले कि आलू और मटर छील के रख दो। दोस्तों हमारा तो खाना बनना चालू हो गया है, और लेबर तो खाली कर ही रहा पीछे में, तो देखते हैं कितना टाइम लगाएगा खाली करने में। अभी वो लोग, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माल तो कोई खास है नहीं। दोस्तों अभी एक बजने वाला है, तब तो बैठे बैठे हम लोग कुछ सब्जी वब्जी बचा हुआ था, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा सब था, हम तो चलो इसी को बना देते हैं, तो इसी को आज बना ले रहे हैं। दोस्तों हमारा खाना वाना सब बन गया, हम रेडी हैं, बस अब गाड़ी खाली होने की तैयार है, गाड़ी जैसे ही खाली हो यहाँ से निकल जाएंगे। और हम लोग का डबल मेहनत वाला काम हो गया एक, हम लोग देखे थे, हम लोग नहाए थे नांदेड़ गुरुद्वारा में, तो कपड़ा बहुत सब पीछे थे, इकट्ठे हो जाता है, तो कहीं मिला नहीं सुखाने के लिए, तो यहीं मिला मैदान, देखिए सामने मैदान दिख रहा है, इसी मैदान में दिए थे सूखने के लिए। तो आकर देख रहे कि जितना कपड़ा सब में देखिए कादो लगा हुआ है, जितना कपड़ा था सब कपड़ा गंदा हो गया फिर से पूरा, मतलब एक तो हम लोग फिसते हैं किसी तरह करके, और ये भी कपड़ा सब मेरा सब में कपड़ा गंजा हो गया, ये देखिए सब में कपड़ा लग गया। अब हम लोग ध्यान नहीं दे पाना, भैंसी चल रहा था, अब सोने के बाद में आ गया, अब खुला घास है, अब वही आ गया, फिर से सब धोना पड़ेगा हम लोग को, परेशानी डबल मेहनत हो गया। दोस्तों चले हम लोग खाना खाने, अभी तो लेबर तो लगा हुआ है, उनका भी लंच हो गया, सब आराम कर रहा है, अभी सोचे थे 12 बजे तक खाली हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। रोहित तो अभी बोल रहा है कि अभी नहीं खाएंगे, आराम कर रहा है पीछे, आराम क्या आप लोग जानते हैं, मोबाइल में लगा हुआ है अभी, तो इसी लेकर के हम लोग कहेंगे चलो टाइम हो रहा है, टाइम से हर चीज़ आदमी कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम से खाओ कराएंगे फिर खाली हो जाएगा तो जाना भी है। ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं अभी,
जाएंगे लेबर को बोलेंगे भाई जल्दी कर दो। दोस्तों शाम के 5 बज गया, थोड़ा सा माल बचा हुआ और लोडिंग का देखिए आज मतलब अब लोड होता है अभी है कि नहीं होता है, क्या कि हम अगला को झूठ बोल बोल के थे तब से कि 12 बजे आ जाएंगे 1 बजे आ जाएंगे, बार बार हमको फट्टी वाला फ़ोन कर रहा है कि गाड़ी खाली हुआ है कि नहीं हुआ है। अब गाड़ी लाइन में यही तो होता है, ट्रांसपोर्टर भी झूठ बोलता है, ड्राइवर भी झूठ बोलता है। तो ठीक है दोस्तों अभी तो मेरा गाड़ी मतलब होने ही वाला, वो आधा घंटा और लगेगा, अब देखते हैं लोडिंग आज हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि ये भी एक समस्या आ जाएगा। ज़्यादा लेट अंधेला हो जाएगा तो फिर लोड करेगा नहीं वो लोग, फिर बोलेगा कल सुबह करेंगे, अब उसके ऊपर है। ज़्यादा इमरजेंसी माल रहेगा तो हो सकता कर भी सकता है वो लोग। ठीक है दोस्तों अब कराते हैं, निकलते हैं फिर यहाँ से। देखिए दोस्तों गाड़ी तो खाली हो गया है, जहाँ लोड करने के लिए आए हैं तो यहाँ तो आ गए हैं फैक्ट्री में, वहाँ एक थोड़ा लेट हो गया खाली करने में, तो वहाँ एक थोड़ा दिक्कत हो गया, मतलब वही पैसा उसा के लिए, मतलब मजदूर से पैसा उसा के लिए दिक्कत होने लगा, झंझट उंझट होने में शाम को 7 बज गया तो गाड़ी लोड नहीं हुआ आज को। तो कहा यदि 5 बजे आते तो गाड़ी लोड हो जाता, लेकिन अब क्या बोलिएगा, वहाँ पे लेट हो गया तो गाड़ी उड़ी खाली भी किए, कांटा वाटा भी किए तो लेट हो गया, तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग जहाँ जमशेदपुर का माल भरने के लिए ब्रेक ड्राम, तो वही माल भरेंगे अभी, तो वहीं से लेके जाएंगे टाटा जमशेदपुर, इसका माल तो जमशेदपुर जाता है, कहीं तो जाता नहीं है। ठीक है दोस्तों अभी तो हम लोग का अंडा कढ़ी बन रहा, आज का रात का खाना अंडा कढ़ी या रोटी बनेगा, अभी रात का खाना बनेगा तो वही खाएंगे आज हम लोग। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभी आलू वगैरह भूज करके मसाला उसका डाल दिए हैं, तरी बना रहे हैं अभी, अपना अंडा कढ़ी का तरी बनेगा, रोटी सब खाना है तो थोड़ा ज़्यादा ही सूखा रहेगा, ज़्यादा जीरा बनाना नहीं है, क्योंकि दिन रहता तो अलग बात है कि चलो चावल सब खाना है, तो अभी तो रोटी सब खाना है ना, तो ज़्यादा ही बनाना नहीं है, थोड़ा इसको बनाते हैं अभी। देखिए दोस्तों मेरा इसका तरी तैयार हो गया है, तो हम लोग जब भी बनाते हैं तो आलू उसमें डालते ही, अंडा में बहुत लोग नहीं डालता है, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं तो आलू डाल के ही बनाते हैं। ये देखिए अब इसमें अंडा इसमें डाल देते हैं, इंदिरा अंडा कढ़ी थोड़ा सूखा ही बना रहे हैं, ज़्यादा रोटी साथ खाना है। पहले तो हम लोग छोटा में घर में जो है हमारा मटन ही बनता था तो उसमें भी आलू डलाता था, लेकिन अब नहीं बनता है वैसा, पहले हमारे घर पे बनता था मटन भी तो उसमें आलू डाल के बनाते थे। अब इसको थोड़ा ढक देते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा धनिया पत्ता का कमी रह गया, कभी धनिया पत्ता रहता तो भरमार रहता है, सूखता है, और कभी ज़रूरत पड़े तो मिलता नहीं है। अब देखिए ये अपना आटा सान रहा है, इसका काम है आटा का, तो रोटी बनाएगा ये, मेरा काम है सब्जी बनाना है, इसका काम है रोटी बनाना है। दोस्तों हमारा रात का खाना बन गया है, चले खाने के लिए, ये अंडा कढ़ी देख सकते हैं, लाइए दलाइए सटाइए चलिए, ये दोस्तों चले अब खाना खाने के लिए, और जो अपना जो बताए थे दिन में कि आज सारा कपड़ा तो गंदा हो गया है, जानवर जो है पूरा चढ़ गया था, फिर से कल नहाएंगे यहीं पे, यहीं पे नहा धोवा कपड़ा दोबारा पीछना पड़ेगा, मेरा उस्ताद का ही नियम है, दोबारा एक काम को दोबारा करने में बढ़िया लगता है, क्या करे वो गंदा है उसी पहन आपका खाना है समय। ठीक है दोस्तों नहाना भी है, क्योंकि लोट तो जाओगे जल्दी हो जाएगा, वरना माल तो तैयार है पीछे। देखिए दोस्तों हम लोग का सोने का कमेंट आया था, 3 जन कैसे सोते हैं, तो मेरा भाई लोग बोलता है कैसे सोते हो, तो मेरा उस्ताद यहाँ पर सो जाते हैं, अब हम तो यहाँ सोते हैं, काहे हमको एक दिन वहाँ सोने के लिए दिया, फिर हम वहाँ उठ के यहाँ आ गए,
कहीं वहाँ मेरा हम सोइए नहीं सकते, कहीं कि वहाँ को अपना जगह जो अपना जगह पकड़ लेता है वो जगह उसका हो जाता है, मतलब जैसे गाड़ी में हम लोग का जो जगह हम लोग का जैसे पकड़ा हुआ है हमको वहाँ जिस टाइप का लग रहा है सोने में वो हमको लग रहा है गलत जगह हम सोए हुए हैं, तो हम यहीं सोते हैं और सुबह यहाँ सोता है और उस्ताद जी मेरा यहाँ सोता है, तो हम लोग का तीन जन का हो जाता है, तीन जन बराबर है, मतलब तीन जन के लिए जगह है, चार जन के लिए नहीं है, ये तीन जन के लिए हार्डली ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ इतना गर्मी है जो हम लोग को पंखा चला के सोना पड़ रहा है, मिरज MIDC में जो हम लोग को पंखा चला के सोना पड़ रहा है, क्या कि महाराष्ट्र में थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, फिर इधर भी गर्मी ज़्यादा है, रायपुर में भी गर्मी रहता है एक थोड़ा, तो इस दो जगह में गर्मी रहता है, हम पंखा चला के भी सोएंगे, क्या कि हम लोग पंखा चला के सोते हैं, मस्त हवा आ रहा है, यहाँ गर्मी लग रहा है एक थोड़ा ज़्यादा, हम लोग का झारखंड में पूरा ठंडा है, इधर गर्मी। ठीक है दोस्तों अभी जा रहे हैं हम सोने के लिए। दोस्तों रात के अभी 10:30 बज गया है, तो खाना वाना हम लोग का हो गया सब फ्रेश, अब देखना सुबह लोडिंग कराना है, माल तो अपना तैयार पड़ा हुआ, पीछे गए थे देखने के लिए पूरा माल तैयार है, अब सोते हैं, उसके बाद अपना एक गाड़ी और आया हुआ है तो वो गाड़ी देखते हैं, पहले मेरा ही नंबर है उसके बाद उसका नंबर है, मेरी गाड़ी लोड होगा मैं, क्योंकि मेरा कागज़ वगैरह सब बन के आ गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों खाना खा के थोड़ा हम टहल लेते हैं उसके बाद फिर जाएंगे सोने के लिए अभी। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।